रायपुर ने राजस्व वसूली को लेकर अपने इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जल कर को लेकर विधानसभा को 2 करोड़ 68 लाख और महालेखाकार और 135 डिफाल्टर करदाताओं को भी नोटिस भेजा गया है। महापौर एजाज देवर ने बताया है कि राजस्व को लेकर कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अब पहले जैसे चेहरा देखकर राजस्व वसूली नहीं होगी। रायपुर नगर पालिका निगम राजस्व वसूली को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और एक से बढ़कर एक डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है और वो धारणा को तोड़ती नजर आ रही है कि चेहरा देखकर यहाँ वसूली की जाती है। इस वक्त हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये राजस्व वसूली को लेकर आपने जब से निर्देश दिया है कार्रवाई देखी जा रही है, अब तक कितने को नोटिस भेजा गया है? देखिए, अभी तक के जो मेरे उसमें है, अभी तक हम लोग जो जितने बड़े बकायेदार थे जिसके नौ नौ दस दस साल वाले थे, अभी तक के हमने सुना कि 100, 120 या 130 लोगों को अभी तक के नोटिस जा चुकी है। और जिसमें अच्छे बड़े बड़े लोगों का जो पहले चेहरा देख के नोटिस दी जाती थी, चेहरा देख के पहले कार्रवाई की जाती थी, अब वो धारणा लोगों की चेंज हो रही है। अभी तो हमने सीधा महालेखाकार जो ऑफिस है वहाँ, और विधानसभा जहाँ पर पूरे विधायक लोग, पूरे मंत्रीगण, जहाँ मुख्यमंत्रीगण, जहाँ सभी लोग भेजते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर हमने डिमांड नोट वहाँ पर दिया है। क्योंकि जल की जो सप्लाई होती है उसका मेंटेनेंस वो पूरा नगर निगम करता है, जो पिछले 9 साल से हम लोगों को वहाँ की राशि हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। इन सब पर किस तरह की कार्रवाई होगी अगर वो अगर भुगतान नहीं करते हैं, आपने ये शुरुआत की है, नोटिस भेज रहे हैं? देखिए, अगर वहां पर अगर हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोग कोई भी स्कूल को जाके वहाँ कुर्की कर देंगे, बंद कर देंगे एक आध स्कूल को। एक आध स्कूल पे हम लोग को कड़ी कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे, तब सब स्कूल ठीक हो जाएगा। जो अभी तक नहीं पटाए हैं, अपने राजस्व नहीं भरे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कर की बात हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी को टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक के टैक्स नहीं आएगा, जब तक के यहाँ पर रेवेन्यू नहीं आएगी, नगर निगम कैसे जनरेट होगा? और हम जो काम करते हैं वो पब्लिक के हित के लिए करते हैं। पब्लिक में जो हित होता है, पब्लिक का जो जल मार्ग, जो भी जो उनके रोजमर्रा का जो समय है, हम लोग बिल्डिंग ये वो जो भी, जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएंगे हम कैसे काम। ये जो है सब लोगों को टैक्स पूरे टाइम पे सबको वसूलना, सबको देना चाहिए। तो अभी आपने महापौर को सुना, जिनका साफ कहना है कि टैक्स नहीं भरने पर नोटिस के जो समय है उसके बाद उस पर कुर्की या नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जितने बकायादार और डिफाल्टर जो दाता है उनके लिए सिर्फ नोटिस भेजा जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। लसूर हाईकोर्ट ने एम फैसला